मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार। आज हमने आपको एमएम वाली रोड पर एक कार दुर्घटना की खबर दिखाई थी। अब उस कार दुर्घटना की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि कार काफ़ी तेज़ रफ्तार में आती है, मगर तभी अचानक इस कार का संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है और कार रोड से सीधा कंस्ट्रक्शन लाइन की जो साइट है वहाँ पर जो पतरे लगे हुए हैं उससे टकरा कर ये कार पलटी होकर खड़ी हो जाती है। हालांकि सुबह के वक्त इस खबर को हम कवर करने के दौरान कुछ लोगों से वहाँ पर बातचीत भी की थी, तो लोगों ने ये जानकारी दी थी इस हादसे को लेकर कि कोई बाइक सवार इस कार के सामने आ गया था और उस बाइक सवार को बचाने की वजह से ये हादसा हुआ है। हालांकि लोगों ने ये भी बताया था कि कार जो है काफ़ी तेज़ रफ्तार में 2 से 3 बार वहाँ चक्कर लगा चुकी थी और काफ़ी तेज़ रफ्तार में होने की वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाया और यह हादसा हुआ। लेकिन अब जो सीसीटीवी फुटेज उसकी सामने आई है इसमें आप साफ देख सकते हैं कि कार काफ़ी तेज़ रफ्तार में है और अचानक संतुलन कार का बिगड़ता है और कार पलटी होकर जो है पतरे से टकराती है। ये सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। हालांकि फुटेज में कोई भी बाइक सवार उस फुटेज में दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके बचाने को लेकर कार जो है हादसे का शिकार हुई हो।